नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। अधिक मास के एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की भिन्न भिन्न मान्यताएं भी होती हैं। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत प्रतिवर्ष दो बार पौष तथा श्रावण के मास में किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अतः पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी तथा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत शुभफलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रूप से करते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार संसारिक सुखों की प्राप्ति तथा पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है। पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। अतः महिला वर्ग में इस व्रत का अत्यंत विशेष प्रचलन तथा महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी के देवता सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी हैं। अतः इस व्रत में भगवान नारायण के बाल गोपाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन जो जातक पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे भगवान विष्णु से विद्वान, लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान होने का वरदान प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाता है? सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत शुभफलदायी होता है। अतः यह व्रत पुत्र फलदायी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार संसारिक सुखों की प्राप्ति तथा पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी के व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है। अतः संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। अतः महिलाओं में इस व्रत का अत्यंत विशेष चलन तथा महत्व भी है। अतः महिला वर्ग में इस व्रत का अत्यंत विशेष प्रचलन तथा महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जातक को अपने समस्त इच्छाओं तथा सपनों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं, उनकी सारी मान्यताएं पूरी होती रहती हैं। पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन एक ऐसा व्रत के रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने के समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्म अनुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक कार्य सफल होते हैं तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान को पौष पुत्रदा एकादशी के अनुष्ठान से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष प्राप्त नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। अतः एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इस विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्य में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का वर्णन तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है उनसे मुक्ति प्राप्ति करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी पौत्र
उत्तरदा एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हजारों वर्ष की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए जातक के समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री हरि विष्णु जी आगे बताते हैं कि इस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से जूते चप्पल छाता कपड़े वस्त्र या सोने का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्ण प्राप्त होता है। अतः पौष पुत्र प्राप्ति के दिन यशस्वी संभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। जो जातक पौष पुत्रदा एकादशी की सच्ची श्रद्धा से व्रत करते हैं उनके पितर नरक से दुखों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन प्रांत एकादशी का उपवास करता है वो मनोप्रांत वैकुंठ जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मनुष्य मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य सुख समृद्धि संपत्ति उत्तम बुद्धि राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। एकादशी महत्व को सुनने मात्र से ही शस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरानी ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माने गए हैं। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने लगता है अति शुभकारी तथा फलदायक है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनने सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुष्प फल प्रदान होता है। अतः पौष पुत्रदा एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन सामग्री भगवान के लिए पीला वस्त्र श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति शालिग्राम भगवान की मूर्ति पुत्र तथा पुष्प माला सुपारी धूप दीप तथा घी पंचामृत अक्षत तुलसी पत्र कलश प्रसाद के लिए मिठाई तथा ऋतु फल। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि पौष पुत्रदा एकादशी के देवता सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी हैं। अतः इस व्रत में भगवान विष्णु तथा विशेष कर भगवान विष्णु जी के बाल गोपाल स्वरूप की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के देश भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्यक्ति को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्ति के समस्त से बचना चाहिए और निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए तथा जाने अनजाने में उससे यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु से उसे माफी मांगनी चाहिए तथा क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत की विधि बताते हुए श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है तथा दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायकाल में सूर्यास्त के पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोग विलास का त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल उड़द चना मूंग जौ मसूर लहसुन शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर
बार स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों को तैयार कर निराहार एकादशी का व्रत रखूंगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती है। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाएं तथा पुष्प तथा ऋतु फल का भोग लगाएं एवं शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप दीप गंध कमल अथवा वैजयंती पुष्प पंचामृत नैवेद्य मिठाई नारियल सुपारी सुंदर आमला व अनार आम आदि जैसी चीजें ऋतु फल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन महालक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समर श्रद्धालु में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अनवर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजन के पश्चात चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण चावल का अनाज न खाकर तामसिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ जो फल प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो रात्रि में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए तथा सुननी तथा सुनानी भी चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात योग्य कर्मकंडी ब्राह्मणों को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना तिल भूमि गौ फल छाता जनेहू या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए, द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना। एकादशी व्रत का पारण हरिवास के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवास समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवास और द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु से परम पुण्यकारी पौष पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने युधिष्ठिर को पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, अतः तुम यह कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती पुरी नामक एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शौर्य था। कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, अतः राजा तथा रानी दोनों इस बात को लेकर चिंतित रहा करते थे। रानी निसंतान होने की वजह से शोकाकुल में रहने लगी। साथ ही राजा भी पुत्रहीन होने के कारण बंधु बांधव राज्य
हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों तथा देवताओं के ऋण मुक्त नहीं हो सकते। राजा के पिता भी यह सोचकर ही चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे नहीं चलने वाला, पर उन्हें तर्पण कौन करेगा तथा कौन उसका पिंडदान करेगा। राजा इस चिंता से भी अधिक दुखी थे कि उन्हें मृत्यु के पश्चात कौन उन्हें अग्नि देगा। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गए कि उनके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई, किंतु वह सोचने लगे कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः उन्होंने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबे तथा चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुँच गए। कुछ समय के पश्चात अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी, अतः वह पानी की खोज में वन में अधिक भीतर की ओर चले गए, जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास यीशु के आश्रम भी बने हुए थे तथा बहुत से मुनि वहाँ बैठकर पाठ कर रहे थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए अपने घोड़े से नीचे उतरकर राजा ने सरोवर में से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद राजा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया तथा उनके सामने बैठ गए। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया तथा बोले कि राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनियों ने कहा कि वह विश्वदेव है तथा सरोवर के निकट स्नान करने के लिए आए हैं। आज से पांचवें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा कोई पुत्र नहीं है। यदि आप कोई मुझ पर प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा कर मुझे एक पुत्र का वर प्रदान करें। हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, अतः आप भी इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया तथा अगले दिन द्वादशी को पारण किया एवं ऋषियों को प्रणाम करके पुनः अपनी नगरी आ गया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई तथा 9 मास के पश्चात रानी ने एक तेजस्वी सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर यह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी, बहुत ही अच्छा राजा बना। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती है तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।